Welcome YouTube, this is Aniket and you are watching Vet Study. So today we are going to discuss olfactory nerve. ठीक है, तो olfactory nerve, जैसा कि हमें पता है olfactory nerve first cranial nerve है. ठीक है, इसकी numbering first है. और olfactory nerve के बारे में हम बहुत सारी बातें आज मतलब पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहली बात क्या है कि olfactory nerve जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि olfactory epithelium क्या होती है. ठीक है, तो basically जो nasal epithelium होती है या नाक में जो हमारी एक तरह से बोल सकते हैं nasal cavity के अंदर जो epithelium होती है वही हमारी olfactory epithelium होती है और वही हमारी responsible होती है olfaction के लिए. मतलब stimulation वहीं पर होता है. ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली जो फिगर है यहाँ पे हमारा ये क्रिप्रीफॉर्म प्लेट है. ठीक है, उसके बाद ये हमारी बेसल सेल हैं और यहाँ पे हमारी ये ऑलफैक्ट्री सेल्स हैं. ठीक है, ये ऑलफैक्ट्री सेल्स जो हैं ये और कुछ नहीं है, ये बायपोलर न्यूरॉन्स हैं. ठीक है, जो जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वही एक्शन पोटेंशियल ये लेकर के जाएंगी कहाँ पर, ये ऑलफैक्ट्री बल्ब में. ठीक है, और ये जो बीच में प्रेजेंट है ये हमारी क्या है, ये एक बोन है, स्पेशल टाइप ऑफ बोन है जिसे हम बोलते हैं क्रिप्रीफॉर्म प्लेट, और ये हमारी पोरस बोन होती है. ठीक है ना, तो इससे हमारी ये जो नर्व है ये पास कर जाती है. ठीक है, और ये बाकी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसके ऊपर ही कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो सब नॉर्मल बात है. ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया कि ऑलफैक्ट्री एपिथीलियम होती कैसी है. अब हम मूव करेंगे कि ऑलफैक्ट्री एपिथीलियम, जैसे ये जो ऊपर ऑलफैक्ट्री बल्ब आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑलफैक्ट्री बल्ब कैसा होता है, ब्रेन के अंदर कैसा होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ऑलफैक्ट्री बल्ब ये वाला जो है, ये ऑलफैक्ट्री बल्ब ये ब्रेन के अंदर ऐसा होता है. ये जो है ये ब्रेन की वेंट्रल साइट है. वेंट्रल साइट मतलब क्या, दो साइड होती हैं, एक होती है वेंट्रल और एक होती है डॉर्सल. ठीक है ना, तो डॉर्सल वाली होती है ऊपर वाली सरफेस और वेंट्रल वाली होती है नीचे वाली सरफेस. तो अगर आप ब्रेन को उल्टा करोगे, चाहे आप ह्यूमंस का करो या एनिमल्स का करो, हालांकि ह्यूमंस के अंदर ये जो ऑलफैक्ट्री बल्ब होते हैं ये इतने डोमिनेंट या प्रोमिनेंट नहीं होते हैं. ठीक है ना, बट इन केस ऑफ एनिमल्स ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ह्यूमंस. ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑलफैक्ट्री बल्ब के बाद है हमारा ऑलफैक्ट्री ट्रैक्ट. ठीक है, और फिर ये हमारा ब्रेन के अंदर सिग्नल लेके जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मैंने बता दिया ऑलफैक्ट्री बल्ब और ऑलफैक्ट्री ट्रैक्ट ब्रेन के अंदर एक्चुअल में प्रेजेंट होते कहाँ हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऑलफैक्ट्री बल्ब की कुछ पॉइंट्स. ठीक है, ऑलफैक्ट्री बल्ब होता क्या है, इट इज़ एन इलोंगेटेड ओवल स्ट्रक्चर दैट लाइज जस्ट अबव द क्रिप्रीफॉर्म प्लेट. हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था कहाँ पे लाई कर रहा है, क्रिप्रीफॉर्म प्लेट के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, इट इज़ कॉन्टीन्यूअस पोस्टीरियरली विद द ऑप्टिक ऑलफैक्ट्री ट्रैक्ट थ्रू विच इट इज़ कनेक्टेड टू द बेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर. ठीक है, तो पहले आ रहा था हमारा ऑलफैक्ट्री बल्ब, फिर उसके बाद आ रहा था ऑलफैक्ट्री ट्रैक्ट. ठीक है, और फिर ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर से हमारा कनेक्ट रहता है, पीछे इसका सेरिब्रल हेमिस्फेयर था जिससे वो कनेक्ट था. ठीक है, फिर उसके बाद द ऑलफैक्ट्री बल्ब एंड ट्रैक्ट आर नॉट पार्ट ऑफ PNS. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट इंस्टेड कॉन्स्टिट्यूट द एक्सटेंशन ऑफ द टीलिन सिफ्लॉन. दिस कंटेन CNS स्पेसिफिक सेल टाइप ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो ऑलफैक्ट्री बल्ब है और ट्रैक्ट है वो PNS का पार्ट नहीं है. ठीक है, PNS के अंदर हमारी क्या क्या आ रही थी, PNS के अंदर हमारा आ रहा था क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, ये हमारे PNS के अंदर आ रहे थे. ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ऑलफैक्ट्री बल्ब PNS का पार्ट नहीं है, ऑलफैक्ट्री बल्ब हमारा ब्रेन का पार्ट है. ठीक है ना, तो और टीलिन सिफ्लॉन क्या होता है, टीलिन सिफ्लॉन है मोस्ट हाईली डेवलप्ड एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ फोरब्रेन, उसे हम टीलिन सिफ्लॉन बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ना, एक तरह से उन्हीं को हम टीलिन सिफ्लॉन बोलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लिया, कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारी वन टाइप ऑफ ग्लायल सेल है. ठीक है, और ये सेल्स क्या करती हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शीथ करती हैं कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ
माइलिन शीथ के प्रोडक्शन की इन पीएनएस, तो वो कौन करती हैं, वो श्वान सेल करती हैं, ठीक है। तो किसी दूसरी वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ ग्लायल सेल ही डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि ओलिगोडेंड्रोसाइट एक ग्लायल सेल है और वो प्रोडक्शन करती हैं माइलिन शीथ का, ठीक है। फिर यहाँ पे जो दूसरी सेल का डिस्कशन हुआ है वो है माइक्रोग्लिया। ये माइक्रोग्लियल सेल्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस का काम क्या है, यहाँ पे ये रिमूव करती हैं जो भी डैमेज न्यूरॉन्स हैं, इन्फेक्शन अगर होता है, और मेंटेन करती हैं हेल्थ ऑफ सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो हेल्थ है उसे मेंटेन करने का काम हमारी ये माइक्रोग्लियल सेल करती हैं, ठीक है ना। और ये मैक्रोफेजेस हैं। तो यहाँ पे आपको जो तीन टर्मिनोलॉजी थी, टेलेंसेफ्लॉन, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लिया, ये मैंने तीनों क्लियर कर दी। अब इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ, जो ऑल्फैक्ट्री बल्ब है और ट्रैक्ट है ये पार्ट नहीं है पीएनएस का, ये ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन का कौन सा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर का पार्ट है, ठीक है ना। और इसके अंदर सीएनएस स्पेसिफिक सेल टाइप पाई जाती हैं, ठीक है ना। सीएनएस के अंदर हमारी कुछ स्पेसिफिक ग्लायल सेल पाई जाती हैं जिनका नाम है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल और माइक्रोग्लिया। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है सीएनएस स्पेसिफिक सेल टाइप, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद बोला गया है कि द ऑल्फैक्ट्री बल्ब एंड ट्रैक्ट शेयर विद द टेलेंसेफ्लॉन शेयर अ कॉमन मेनिन्जियल कवरिंग, ठीक है। तो ब्रेन के ऊपर जो हमारी मेनिन्जेस होती हैं, मेनिन्जेस क्या, कवरिंग तीन टाइप की होती हैं। पहली होती है ड्यूरा मैटर, ठीक है, दूसरी होती है अरेकनॉइड और तीसरी होती है पाया मैटर, ठीक है। जो ड्यूरा मैटर, अरेकनॉइड, पाया मैटर, ये बाहर से अंदर की ओर है, ठीक है। और जो अरेकनॉइड है वो एक मैमिलियन करेक्टर है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चारों पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो नर्व है वो एक्चुअली में वो मूव कैसे कर रही है, मतलब वो इम्पल्सेस को लेके कैसे जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑल्फैक्ट्री बायपोलर रिसेप्टर नर्व, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वाली स्लाइड में दिखाया था ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम वाली में, वहाँ पर न्यूरॉन्स दिखाए थे बायपोलर न्यूरॉन्स, तो वही क्या करेंगे, वो रिसीव करेंगे सिग्नल को, या किसी भी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर हम स्मेल करेंगे उनसे वो रिसीव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइन सेंट्रल प्रोसेस जो है वो फॉर्म ऑल्फैक्ट्री नर्व फाइबर, और वो नर्व कहाँ पे लेके जाएगी, वो लेके जाएगी एंटर द क्रिप्टिफॉर्म प्लेट, जो मैंने आपको बोनी स्ट्रक्चर दिखाया था ऑफ द इथमॉइड बोन होती है, ठीक है ना, टू जॉइन द ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ठीक है। अब वो जाके ब्रेन के पार्ट, दैट इज़ द ऑल्फैक्ट्री बल्ब से जाके वो जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो वहाँ पर जाकर हमारा एक स्पेशल चीज़ बनाएगा जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक नई चीज़ आती है, ग्लोमेरुलाई क्या बना रहा है, ग्लोमेरुलाई कुछ भी नहीं है, ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस सिंगुलर बोलते हैं और प्लूरल को बोल देंगे ग्लोमेरुलाई। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो ऑल्फैक्ट्री बल्ब के अंदर लोकेटेड रहता है ब्रेन के, जहाँ पे वो सिनेप्स करता है, मतलब यहाँ पे सिनेप्स होता है, किस किस का सिनेप्स हो रहा है आप देख रहे हैं, सिनेप्स का मतलब क्या है, जॉइंट होना, ठीक है। टर्मिनल ऑफ द ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ऑल्फैक्ट्री नर्व का जो टर्मिनल है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, और डेंड्राइट्स ऑफ द मिट्रल, पेरीग्लोमेरुलर और टफ्ट सेल, इन तीन सेल, मिट्रल, पेरीग्लोमेरुलर या ग्रैनुलर और टफ्ट सेल, इन तीन सेल्स के जो डेंड्राइट्स हैं वो यहाँ पे जुड़ते हैं, समझ में आ गया। मतलब ये एक टाइप का जंक्शन है जहाँ पर हमारा एंड ऑफ दी ऑल्फैक्ट्री नर्व और तीनों सेल के डेंड्राइट्स जुड़ते हैं। अब ये मिट्रल सेल क्या है, ये मिट्रल सेल्स वन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये पेरीग्रैनुलर सेल्स जो हैं ये इंटर न्यूरॉन्स हैं, और ये टफ सेल भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको इनके भी बारे में जानना है, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं इन सेल्स के बारे में जानना, बट अगर आपको जानना है तो एक शॉर्ट इसमें बता देता हूँ। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो दो न्यूरॉन्स के बीच में इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना, स्पेशली इन अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क जब भी हम बनाते हैं, ठीक है। और इन्हें हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, मतलब कहने का क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद इम्पल्स जाएगी इंटर न्यूरॉन पे, और इंटर न्यूरॉन के बाद वो जाएगी मोटर न्यूरॉन पे, ठीक है। यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ऑल्फैक्ट्री नर्व, ये मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने इतना सब कुछ जान लिया ऑल्फैक्ट्री नर्व के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि ऑल्फैक्ट्री नर्व का एक्चुअल में जो ओरिजिन है या जो अटैचमेंट है ब्रेन से,
ठीक है ना, ऑल्फैक्ट्री बल्ब से वो होता कहाँ पे है, तो वो कॉडल सरफेस ऑफ ऑल्फैक्ट्री बल्ब से वो अटैच रहती है। कॉडल सरफेस क्या, दो सरफेस होती हैं, एक होती है क्रेनियल, एक होती है कॉडल। क्रेनियल का मतलब होता है आगे की ओर और कॉडल का मतलब होता है पीछे की ओर, ठीक है। तो पीछे की सरफेस ऑफ क्रेनियल वो सॉरी पीछे की सरफेस ऑफ ऑल्फैक्ट्री बल्ब से अटैच रहती है, ठीक है। अब दिस नर्व इज सेंसरी। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि क्या ऑल्फैक्ट्री बल्ब का काम क्या है, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल के लिए तो मतलब ये सेंस करेगी, तो इसलिए सेंसरी इन नेचर है, ठीक है ना। एंड एफरेंट फाइबर अराइजेस फ्रॉम दी फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, सेंसेशन ऑफ स्मेल, ठीक है। उसके बाद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी कंटेन ऑल्फैक्ट्री सेल, दीज आर द सेल बॉडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, देयर एक्सॉन्स आर कलेक्टेड इन बंडल रन इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर्म अ नेटवर्क एंड पासिस थ्रू द क्रिपरीफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन, pierces the meninges, enter the olfactory bulb and join the glomeruli of the olfactory bulb. अब मैंने आपको glomeruli बता दिया क्या क्या था, जंक्शन था, ठीक है, olfactory nerve का और बाकी तीन सेल्स का। अब जो यहाँ पे न्यू टर्मिनोलॉजी आती है वो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जो इस पॉइंट में डिस्कस करा है वो सेम वही करा है कि म्यूकस मेम्ब्रेन से वो इकट्ठे होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स और वो लेकर के जाते हैं क्रिपरीफॉर्म प्लेट से निकलते हुए लेकर के जाते हैं ऑल्फैक्ट्री बल्ब से अटैच हो जाते हैं, उससे पहले वो ग्लोमेरुलाई बनाते हैं, ठीक है ना, फिर वो ऑल्फैक्ट्री बल्ब से अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारा पॉइंट क्लियर है, बस एक चीज़ है वो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते क्या है, ठीक है, वो देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते क्या है। हमारे तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। इन केस ऑफ ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स थे वो न्यूरॉन हैं जो जो कि हमारी ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम से और ग्लोमेरुलस तक लेकर जा रहे हैं इम्पल्स को, वो सारे हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। अब वो न्यूरॉन्स जो ऑल्फैक्ट्री बल्ब वेयर द सेकेंड न्यूरॉन्स ऑफ द ऑल्फैक्ट्री पाथवे आर लोकेटेड, ठीक है, जो कि हमारे ग्लोमेरुलस से कहाँ लेके जाएंगे, ऑल्फैक्ट्री बल्ब तक लेके जाएंगे, ठीक है, वो सारे हमारे सेकेंडरी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के अंदर आएंगे। द एक्सॉन्स ऑफ दीज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पास सेंट्रली एज द ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट, ठीक है। अब उसके बाद ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट तक तो बात ख़त्म नहीं होगी ना, ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट के बाद भी वो इम्पल्सिस कहाँ जानी है, वो इम्पल्सिस जानी है ऑल्फैक्ट्री एरिया जो कि प्रेजेंट कहाँ पर है, जो कि प्रेजेंट है ब्रेन में, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारे प्रेजेंट होंगे वो होंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो ऐसे करके हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक और स्लाइड है जिसमें सेम सारी चीज़ें कंबाइन करके दिखा रखी हैं। इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पे जो मैंने बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको बताए थे वो ये हमारी ऑल्फैक्ट्री सेल्स हैं, ठीक है ना, ये हमारा लेकर के जाएंगे, फिर ये हमारी यहाँ पे एक क्रिपरीफॉर्म प्लेट है, ठीक है, यहाँ से पास होंगे और फिर ये हमारा ऑल्फैक्ट्री बल्ब है, ठीक है, ये ऑल्फैक्ट्री बल्ब जो है यहाँ पर ये आ जाएंगी। उसके बाद ये यहाँ पे जो सिनेप्स करेंगे किसके साथ, मेट्रल सेल्स के साथ, ग्रेनुलर सेल के साथ, टफ सेल के साथ, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे मूव कर जाएंगी पीछे की ओर और फिर ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट से होते हुए कहाँ चली जाएंगी, ऑल्फैक्ट्री एरिया में, ठीक है, जो अभी तक मैंने बताया उसकी समरी हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। हाँ, अब जो ऑल्फैक्ट्री एरिया होता है, जो मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूँ ऑल्फैक्ट्री एरिया में जाएंगी, वहाँ पे वो ब्रेन उसे मतलब बताएगा कि ये किस चीज़ की स्मेल है, क्योंकि स्मेल एक तरह की तो नहीं होती, स्मेल कई तरह की होती हैं, तो वहाँ पे जो वो ब्रेन में होगा वो कौन सा एरिया है। अब हर एरिया को हमने अलग नंबरिंग दे रखी है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो आप ब्रेन को मैं दे दूँ और आप पहचान नहीं सकते कोई भी एरिया, कोई भी मैं अगर दे दूँ, तो इसलिए हर एरिया को आपने अलग नंबर दे रखा है। और ये 28 जो है, 28 नंबर जो है, ये हमारा ऑल्फैक्ट्री एरिया है, रिस्पॉन्सिबल है सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ठीक है। तो आपको ऑल्फैक्ट्री एरिया भी पता चल गया, और इस वाली स्लाइड में भी आप देख सकते हैं ये रहा ऑल्फैक्ट्री एरिया जो कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरी ऑप्टिक सॉरी ऑल्फैक्ट्री नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 1 ऑल्फैक्ट्री नर्व हमने पूरी देख ली, कहाँ से वो स्टार्ट हुई, कहाँ तक वो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्रेनियल नर्व जो है, क्रेनियल नर्व नंबर 1 ऑल्फैक्ट्री नर्व हमारी एंड होती है। उसके बाद अब हमने ये तो देख लिया कि वो
पास कैसे कर रही है, ठीक है, कैसे वो ले करके जा रही है। अब हमें क्या देखना है कि वहाँ पे, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे वो जनरेशन कैसे हुआ, मतलब सेंस ऑफ इम्पल्सिस का जनरेशन कैसे हुआ वहाँ पे वो बाइपोलर न्यूरॉन्स में, ठीक है, वो हमें देखना है। अब कोई भी ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, मतलब नाक से हम कोई भी ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल सूंघेंगे, ठीक है ना, वो बाइंड करेगा रिसेप्टर ऑफ द प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री न्यूरॉन से, ठीक है, कोई भी ऑर्डर आया उसने बाइंड करा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, द एक्टिवेटेड रिसेप्टर एक्टिव अ जी प्रोटीन विच स्टिमुलेट एडिनाइल साइक्लेज टू कन्वर्ट ATP टू साइक्लिक AMP, ठीक है ना। फिर ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा हमारे जी प्रोटीन को, जी प्रोटीन एक टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे ये एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और ये जी प्रोटीन क्या करेगा, ये जी प्रोटीन स्टिमुलेट करेगा एडिनाइल साइक्लेज जो कि एक इंजाइम है, इंजाइम भी ये वहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंजाइम और प्रोटीन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन विद एक्टिव साइट हम इंजाइम बोल देते हैं उन्हें, ठीक है ना। और ये फिर मैं कभी और दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी प्रोटीन ही है, इंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटीन है जो कि ये क्या करेगा, जो कि एक ATP मॉलिक्यूल, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, उसे साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, ये जो कन्वर्जन हो रहा है। फिर यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद आता है थर्ड स्टेप, ये क्या करेगा, साइक्लिक AMP एक्टिवेट करेगा एक कटायन चैनल को, मेकिंग इट परमिएबल फॉर Na पॉजिटिव एंड Ca पॉजिटिव। ये परमिएबल कर देगा इस चैनल को जिससे कि इन्फ्लक्स हो जाएगा, किस चीज़ का, Na पॉजिटिव और Ca पॉजिटिव का, ठीक है। अब आप पोलैरिटी के अंदर चेंजेस ला रहे हो, ठीक है, पोलैरिटी के अंदर चेंज ला रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप चार्ज के अंदर चेंज ला रहे हो, ठीक है, आप डीपोलराइजेशन कर रहे हो मेम्ब्रेन का, और डीपोलराइजेशन करने पर ही इम्पल्स जनरेट होगी, और इम्पल्स जनरेट होगी फिर वो मूव करेगी बाइपोलर न्यूरॉन से, फिर मूव करते हुए क्रिप्री फॉर्म प्लेट से मूव करते हुए ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ऑल्फैक्ट्री बल्ब से मूव करते हुए ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट, ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट से मूव करते हुए ऑल्फैक्ट्री एरिया, वहाँ पे जाके वो सेंस हो जाएगी। तो ये थी हमारी ऑल्फैक्ट्री नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 1, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने ऑल्फैक्ट्री नर्व को डिस्क्राइब करा है, ऐसे ही करके मैं एक एक नर्व 12 क्रेनियल नर्व को डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।